कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरे की बात है, इसलिए हर देशवासी को इसके बारे में जानना जरूर चाहिए। साथियों, अरे गुजरात में बम धमाके हुए, कभी आपने सुना नहीं होगा। इस बम धमाके कैसे धमाके किए गए थे? दो प्रकार से किए गए। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके, और उसके दो घंटे के बाद अस्पताल में एक गाड़ी रखी थी, उसमें बड़ा धमाका, ताकि इन लोगों को जब अस्पताल लेके आए, उनके रिश्तेदार आए, अफसर आए, नेता आए, तब वो कार धमाका करे अस्पताल के अंदर। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा। वहां भी काफी लोग मारे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे, और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे, और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? यहां उत्तर प्रदेश में साथियों, 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था, संकट मोचन मंदिर भी धमाका किया गया था, वहां के कैंट रेलवे स्टेशन भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई, तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर ये बम धमाका का जो चल रहे थे मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था। भाइयों बहनों, क्या ये आपको मंजूर है? जिन्होंने काशी में धमाके किए उनके केस वापस लेने का निर्णय उचित था क्या? ये लोगों को आप कभी भी मौका देंगे तो ये अपनी वारदातें करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे ही आपको याद होगा 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था, 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था, लेकिन अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई, और फिर तारिक को समाजवादी सरकार ने केस विड्रॉ करने का निर्णय कर लिया था। अदालत ने मना किया, केस चला, और परिणाम क्या आया? 20 साल की सजा हुई दोस्तों, 20 साल की सजा। उसको वो बचाना चाहते थे। ऐसे ही 2007 में लखनऊ अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे, 2013 में समाजवादी सरकार ने फिर आतंकी पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथियों,
आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे ही यूपी में एक तो नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। क्या आतंकवादियों पर रहम करना ठीक है क्या?